विश्वव्यापी कोरोना महामारी को लेकर जहां पूरा देश संकट में आ गया है, इस वायरस को लेकर आमजनों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी के चलते हमारे नीमच ज़िले में भी लॉकडाउन का ये चौथा चरण है और इस चौथे चरण को हमारे नीमच ज़िले में करीब लॉकडाउन लगे हुए 2 महीना हो गए। इसी के चलते आज नीमच खोलने की बात को लेकर आपदा प्रबंधन की बैठक रखी गई कलेक्टर कार्यालय में, और उसी बैठक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जिनन कुमार डोसी जी ने कई प्रस्ताव रखे, अभी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने बैठक में क्या प्रस्ताव रखे। सर वाई सोम में आपका स्वागत है। सर बताइए, आज जो बैठक रखी गई थी कलेक्टर कार्यालय में, कलेक्टर के समक्ष जो भी प्रशासन थे, आपने क्या प्रस्ताव रखे? देखिए, इस क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में जब से नीमच में बैठक हो रही है मैं हमेशा जाता हूँ, और नीमच के जितनी भी व्यापारी एसोसिएशन है उन प्रमुख लोगों से चर्चा करने के बाद उस बैठक में मैं अपनी बात रखता हूँ। समय समय पर मैंने कई बातचीत रखी है। आज की बैठक में भी मैंने माननीय कलेक्टर महोदय से यह निवेदन किया है कि जो ट्रांसपोर्ट के व्यापारी हैं, जिनके पास नीमच के व्यापारियों का माल रखा हुआ है, वह 2 महीने से लॉकडाउन के कारण आज तक डिलीवर नहीं हुआ। इसके कारण व्यापारी भी परेशान हैं और ट्रांसपोर्टर भी परेशान हैं। ट्रांसपोर्टर की परेशानी ये है कि उनका माल गोडाउन में रखा है। उनका कहना है कि सर चूहे यदि गोडाउन के अंदर कपड़ा काट गए या और कोई बीमारी लग गई, कपड़ा फट गया, गल गया, गर्मी बहुत गिर रही है, ऐसी स्थिति में हम व्यापारी को डिलीवरी माल की कैसे करेंगे? या व्यापारी ने माल लेने से मना कर दिया या कोई भी विवाद उत्पन्न हुआ, हम उससे कैसे निपटेंगे? तो उनकी बार बार ये डिमांड रही है कि साहब हमको परमिशन दी जाए कि हम ये माल की डिलीवरी व्यापारियों को कर सकें। तो श्रीमान कलेक्टर महोदय ने कहा है कि यह मेरा मामला मेरे संज्ञान में है और मैं शीघ्र ही इसकी परमिशन जारी कर रहा हूँ। सर आपने ऑटो मैकेनिक और पार्ट्स और इनकी भी बात रखी थी, उसमें सर क्या निकला? ऑटो पार्ट्स और मैकेनिक के लिए पहले हमने पहल की थी और श्रीमान जिलाधीश महोदय ने उसकी परमिशन दुकानें खोलने की दी थी। काम ठीक चल रहा था, लेकिन अभी जब से लॉकडाउन हुआ है नई एडवाइजरी में उसको उन्होंने निकाल दिया। तो मैंने पुनः उनसे रिक्वेस्ट की है कि सर स्कूटर मोटरसाइकिल की जिसकी ख़राब होती है उसको रिपेयरिंग कराना पड़ेगी, और रिपेयरिंग कराना पड़ेगी उसमें पार्ट्स चाहिएगा, तो ऑटो पार्ट्स और रिपेयरिंग की दुकानों का परमिशन दीजिए, इससे अपने को लॉकडाउन प्रभावित नहीं होगा। और मैं सोचता हूँ कि ये व्यवस्था होने से जनता को, आम नागरिकों को सुविधा रहेगी। देखा जा रहा है कि सर अभी जैसे ये सीज़न माना जाता है, शादी ब्याह का सीज़न है, ऐसे रमज़ान महीने भी चल रहे हैं, तो रेडीमेड कपड़े की दुकानें, सराफा और बर्तनों की दुकानों पे भी लॉकडाउन के कारण बंद पड़ी है। ऐसे में आपने मांग रखी थी, उसका क्या निकला सर? सर ये तो मेरी प्रमुख मांग है। इस ट्रेड के लिए तो मैं श्रीमान जिलाधीश महोदय से व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधिमंडल को ले जा करके वो क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में हर बार बार बात उठाता रहा हूँ। ये तो चूँकि रेड जोन आज हुआ है, जब हमारा ग्रीन जोन था आज से 15-20 दिन पहले तक भी, तो मैंने ये कहा था कि साहब सब ट्रेड को खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप समय तय कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हो तो रोस्टर प्रणाली से कर दीजिए, लेकिन लोगों को काम धंधा करने दीजिए। लोग परेशान हैं, दुखी हैं, उनकी हालतें ठीक नहीं है, अंदर ही अंदर बहुत उनमें घबरावट है, हमारा क्या होगा। हम व्यापारी लोग अप्रैल मई के अंदर आखिर इसकी सीज़न से पूरा हम काम करते हैं, वो काफ़ी स्टॉक हमारा हल्का हो जाता है। आज लोगों के पास में काफ़ी माल रखा हुआ है, उनमें घबराहट है, ये कपड़ा कैसे बेचेंगे, हम बाहर के व्यापारियों का पेमेंट कैसे करेंगे, हमारा उधारी कैसे आएगी। तो सर श्रीमान से मैं आग्रह करता रहा हूँ, चाहे कपड़ा हो, चाहे सराफा हो, चाहे बर्तन हो, चाहे इलेक्ट्रिक की दुकान हो, चाहे रेडीमेड की दुकान हो, तमाम ट्रेड को आप परमिशन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन ये बात सच है कि कलेक्टर महोदय ने हमेशा हमारे विषय पर सहानुभूति रखी है, और जब जब हमने बात की है तो यही कहा है कि मैं 2-3 दिन में इसको खोलने का प्रयास करता हूँ। लेकिन योग ऐसा है, जब खोलने की बात करते हैं तो पता लगा कि निवाड़ा के अंदर पॉजिटिव निकल गए, फिर आगे बढ़ते हैं तो मंदसौर में पॉजिटिव निकल गए, फिर कोशिश करते हैं तो घंटाघर के आसपास एरिया में और हमाल मोहल्ले में पॉजिटिव निकल गए, तो श्रीमान जिलाधीश महोदय पीछे खसक जाते हैं। अभी भी हमारी क्या बोलते हैं, रेड जोन होने के एक दिन पूर्व सर से मीटिंग हुई, सर ने कहा कि आप अपने हर एसोसिएशन की हमें गाइडलाइन बना करके दे दीजिए, किन नियमों वालों का पालन करते हुए आप दुकानें खोलेंगे। हमने सारी उनको व्यवस्थाएं उनको पास पहुंचा दी, लेकिन योग की बात है कि वापस हमारा रेड जोन हो गया। तो मैंने सर से पुनः निवेदन किया है,
जैसे ही सामान्य स्थिति हो आम नीमच के सभी ट्रेड को खोलने की परमिशन दीजिए, लोगों को काम धंधा करने दीजिए। लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, पुनः निवेदन कर रहा हूँ, पर उनका हमेशा सकारात्मक सोच रहा हो इस बात की मैं श्रीमान जिलाधीश महोदय को, प्रशासन महोदय को बहुत बधाई देता हूँ। हमें उम्मीद है हमारी व्यथा को समझते हुए वह निश्चित रूप से बाजार खोलने की आने वाले समय में परमिशन देंगे। सर, लॉकडाउन का 14 चरण चल रहा है, ऐसे में लॉकडाउन लगे हुए नीमच जिले में आज करीब 2 महीने आ गए। ऐसे कई लोग व्यापारी, ऐसे कई दुकानदार गरीब, जैसे सैलून की दुकान ले लो आप, या मटका व्यापारी ले लो, या और किसी भी चीज़ को व्यापारी को ले लो, ऑटो रिक्शा चालक है, टिकट वेकर है, इन सब चीज़ को लेकर काफ़ी परेशानी का दिक्कत आ रही है। उनके लिए कोई मतलब प्रशासन की तरफ से राहत प्रदान नहीं है, उसको लेकर भी सर कोई मांग उठे आपने? सर, मैं तो सभी ट्रेड की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मटका वाला हो, चाहे सैलून वाला हो, चाहे कोई भी हो, सबको रोजी रोटी चाहिए, तकलीफ सबको बराबरी की है, मौका मिलना चाहिए। लेकिन सर, COVID-19 कोरोना वायरस बहुत खतरनाक बीमारी है, हमें इससे जीवन में आगे जाकर भी बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा। और ये मान करके चलिए, जीवन में इसको चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए, और ये आपके साथ साथ चलेगा, उसके लिए हमको बच करके चलना पड़ेगा। मास्क पहनना, सैनिटाइज का उपयोग करना, 2 गज की दूरी बना करके रखना, ये सारी सावधानी रखेंगे तो ही काम चलेगा, नहीं तो सबके साथ दिक्कत खड़ी है। हम व्यापार खोलने की बात भी जरूर कर रहे हैं, लेकिन इन सावधानियों का ध्यान नहीं रखें तो हम परेशानी में आ सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ चैम्बर ऑफ कमेटी के अध्यक्ष जिनन कुमार जी डोसी, जिन्होंने बताया कि व्यापारियों के लिए, छोटे मोटे दुकानदारों के लिए ये हमेशा प्रशासन से मांग करता है और आगे भी मांग करते रहेंगे।